أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि सूरह मुबारक यूसुफ़ की आयत नंबर 90 की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, जिसका तर्जुमा यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वो भाई जो गल्ला लेने मिस्र आए थे, कहने लगे क्या वाकई आप यूसुफ़ हैं? तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। अगर कोई तक्वा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया तो तबई तौर पर उनके जहनों में उस सलूक का तसव्वुर घूमना शुरू हो गया जो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ किया था, और साथ वो सलूक भी उनके सामने था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ किया था। इन दो सलूकों में नुमाया फ़र्क ने उनको मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। इस जगह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन अवामिल का जिक्र किया जिनकी वजह से उनको कामयाबी हासिल हुई, वो सब्र और तक्वा हैं। चुनांचे कुरान की दीगर मुतअद्दिद आयतों में सब्र और तक्वा को मुश्किलात से निकलने का ज़रिया बताया है। मुलाहिज़ा किया जा सकता है सूरह बकरा की आयत नंबर 155 को। सब्र और तक्वा के बग़ैर अम्बिया अलैहिस्सलाम भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, इतनी अहम चीज़ है। और इंसान को सब्र और तक्वा को अपने साथ रखना चाहिए। क़ुरान हमें बताता है कि क़ुरान की तिलावत के क्या आदाब हैं। सूरह मुबारक मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 में इरशाद होता है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरान, लिहाजा तुम जितना आसानी से क़ुरान पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। इंसान कभी भी उस कुरान से बेनियाज नहीं हो सकता जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया जिब्राइल अमीन के ज़रिए से, चूँकि कुरान करीम इल्मी मखालिब और तरबियती नुकात से भरपूर है जो इंसानों की अहम तरीन दुनियावी और अखरवी अखरवी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। इन आयात में मोमिन से कहा गया है कि अपनी तवानाई और ताकत के मुताबिक कुरान की तिलावत और उससे उन्स पैदा करने में कोताही न करें। ज़ाहिर है कि उन्स बकुरान से मुराद फ़कत तिलावत या हिफ्ज़ कुरान नहीं है, बल्कि इसका हकीकी हदफ़ कुरान के अखलाक व आदाब से मुज़य्यन व आरास्ता होना है। अगर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम और उलमाए रब्बानी की सीरत का मुताला किया जाए कि ये अफराद कुरान करीम से हमेशा मानूस रहे और उसकी हमेशा तिलावत करते रहे। रवायात में बच्चों नौजवानों को कुरान के साथ मानूस करने की बहुत ताकीद की गई है, लिहाजा कुरान मजीद की दिलनशीन आयात उनके पाक और साफ दिल में उतर जाएं और उनके गोश्त और खून के साथ घुल मिल जाएं तो क्या कहना। हदीज़ इमाम जाफर सादिक़ अलैहि सलातो वस्सलाम में उसूल काफ़ी की जिल्द दो सफ़ा 603 पर इमाम अहसन फरमाते हैं जो कुरान करीम सीखे दर हालांकि वो एक मोमिन जो एक मोमिन जवान हो तो कुरान उसके गोश्त और खून का हिस्सा बन जाता है। हम देखते हैं मोहम्मद हुसैन तबा तबाई 4 साल की उम्र में
حافظ قرآن بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تھی کہ جب وہ شکم مادر میں تھا تو اس کی والدہ اس کے والد قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کیا کرتے تھے, اور جب وہ پیدا ہوا تب یہ مسلسل ریکارڈنگ قرآن مجید کی لگی رہتی تھی, جس کا اعتراف ان کی والدہ اور ان کے والد نے کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے مانوس کرنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.